तो भैया जी, अब हम भैया की शादी में स्टेडियम आए होते हैं। अब इधर भी भैया द्वार चार के लिए भैया इनके लड़की पक्ष के खड़े होते हैं। हम जैसे नीचे आते हैं हमारा द्वार चार करने लगते हैं। हम कहते हैं अरे नाश्ता पानी पूछो, कछु खिलाओ पिलाओ, भैया जो खा के आ वो अभी निकालने में तुले हो ससुर के नाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप नाती भैया, ये जो खाए रहते हैं उनको निकाल भैया नाश्ता पानी इधर से। नाश्ता पानी करने के बाद हम इनकी सालियाँ जो रहती हैं भैया कहती हैं 5100 रुपये चाहिए। अब एक को भैया देते हैं हम तुरंत 5100 रुपये, दूसरी कहती है हमको भी चाहिए। हम कहते हैं रुको अभी तुम्हारा भी हिसाब करते हैं, पेड़ में तो उगता पैसा, सबको 5100 चाहिए। साला शादी ना हो गई, बताओ क्या हो गया। लो अभी लो भाई आप भी 5100 रुपये लो, इनको भी 5100 देते हैं और जूता भैया के ले लेते हैं हम। अभी इधर भैया इनके फूफा गुस्सा हो जाते हैं, ये फंस गया सी है। हम कहते हैं अरे यार, अब फूफा को इधर से मनाने के बाद भैया पता चलता कि अभी मौसा जी भी गुस्सा हो गए हैं। ओ फो, अब तुरंत भैया मौसा जी को मनाने आ जाते हैं। मौसा जी यहाँ पहाड़ की वादियों में भैया सुसाइड करने के लिए भाग रहे थे। हम कहते हैं सुसाइड मत करो फूफा जी, मौसा जी हम बचा लेंगे आपको, हम मनाने आए भैया, माफ़ कर दो। इतने भैया को माफ़ी दे देते हैं, हम इनको दे देते हैं। तो भैया जी इनको भी मना लेते हैं। अगर आपके परिवार में भैया ऐसा कोई गुस्सा होने वाला तो कमेंट करके बताओ।